बाकमुत में यूक्रेनी फौज की एंट्री से रूस बेचैन हो उठा है। युद्ध में कैसे फेल हुआ अमेरिका का ब्रेडली और जंग की जो बाकी खबरें हैं उन्हें जानने के लिए देखिए महायुद्ध टॉप 9। रूस ने यूक्रेनी शहरों पर 14 क्रूज मिसाइल अटैक किया है। एक साथ कई यूक्रेनी शहरों में बारूदी बौछार कर कोहरा मचाया है। रूसी सेना ने शाहिद ड्रोन से भी भारी बमबारी की है। यूक्रेन ने रूस के 11 क्रूज मिसाइल मार गिराने का दावा किया है। बाखमुत में यूक्रेनी सेना लगातार रूसी ठिकानों पर हमला कर रही है। रूसी कब्जे से बाखमुत को फिर से मुक्त कराने में लगी है, लेकिन रूसी सेना यूक्रेन के रफ्तार को रोकने में लगी। रूस ने यूक्रेन के काफिलों पर जबरदस्त प्रहार किया। बाखमुत पर दोबारा कब्जे के लिए बैटल ग्राउंड में यूक्रेनी सेना खून बहा रही है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उनकी सेना एक बार फिर बाखमुत में आगे बढ़ रही है। कुछ इलाकों में 3 किलोमीटर तक अंदर घुस गई है। रूस ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर बड़ा हमला बोला। रूसी सेना ने क्रीवी री पर रात भर भारी बमबारी की। इस विनाशकारी हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रूस ने यह हमला तब किया जब लोग घरों में सो रहे थे। पश्चिमी देशों के दम पर रूस से लड़ाई लड़ रहे यूक्रेन को काउंटर ऑफेंसिव में नुकसान हुआ। 3 से 4 दिन में यूएस से मिले 16 ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल ध्वस्त हो चुके हैं। यूक्रेन ने एक बार फिर पश्चिमी देशों से टैंक देने की मांग की है। जंगी मैदान में रूसी सेना लगातार पश्चिम देशों के हथियारों को शिकार बना रही है। रूसी डिफेंस मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि यूक्रेनी सेना से जबरदस्त फाइटिंग के बाद लेपर टैंक और यूएस ब्रेडली पर कब्जा किया। डोनेस्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। काउंटर ऑफेंसिव अटैक में यूक्रेन ने रूस पर MLRS से विध्वंसक हमला बोला। MLRS प्रहार से डोनेस्क में रूसी ठिकाने थर्रा गए। यूक्रेनी सेना नाटो से मिले हथियारों से रूस पर जोरदार हमला कर रही है। रूस ने यूक्रेनी सेना पर घातक अटैक किया। बैटल ग्राउंड में हमले के लिए तैयार यूक्रेनी हवेजर को रूसी सेना ने तबाह कर दिया। रूस ने पहले हवेजर को ट्रेस किया, फिर ड्रोन से बमबारी की। इस विध्वंसक हमले में हवेजर के परखच्चे उड़ गए। यूक्रेन के खिलाफ बहादुरी से जंग लड़ने वाले घायल सैनिकों को सम्मानित करने के लिए पुतिन मॉस्को के अस्पताल पहुंचे। सोमवार को रूस दिवस के मौके पर पुतिन ने घायल जवानों को रूस के हीरो और ऑर्डर ऑफ करेज की उपाधि से सम्मानित किया और उनकी बहादुरी की तारीफ की।